अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारे सेकंड ईयर के कंप्यूटर के लेक्चर को पढ़ रहे हैं और इसमें हम सेकंड ईयर के सी लैंग्वेज का जो पार्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं और ये है लेक्चर नंबर वन। लेक्चर नंबर वन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सी लैंग्वेज का एक जो हिस्सा था, या यूं कह लो सी लैंग्वेज के इस चैप्टर के जो पहले कुछ टॉपिक्स थे जो नेसेसरी थे बताने ऑल क्लासेस के लिए, यानी कि 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्दर और भी जितनी क्लासेस, उन सबको बताने के लिए वो ज्यादा अहमियत के हामिल थे, इसीलिए वो लेक्चर अलग से बनाकर सबके लिए अपलोड कर दिया गया है। तो आप उस लेक्चर को देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके कि हम जो लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं वो होती क्या है। उसमें हमने डिस्कस किया है कि प्रोग्राम क्या होते हैं, साथ में हमने उसमें लैंग्वेज की डेफिनेशन को पढ़ा है, टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी देखी है कौन कौन सी होती है, जैसे दो लैंग्वेज थी, एक हाई लेवल लैंग्वेज थी और एक लो लेवल लैंग्वेज थी, उनको हमने डिस्कस किया है। साथ में हमने फर्दर उनकी जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया है। हमने देखा है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो किस तरह से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है और उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड को भी देखा है। जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं उसके ट्रांसलेटर जो होते हैं, मतलब कंपाइलर, इंटरप्रिंटर और असेंबलर, उनको भी हमने उसी लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो वो लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 का ही टॉपिक उठाएंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। इस टॉपिक पर जाने से पहले थोड़ा सा आपको हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बता देती हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो इंसानों के करीब और मशीन से दूर होती है, मतलब ये इंग्लिश जैसे अल्फाज पर मुश्तमिल होती है। जैसे कि आप सी पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर एक आपकी आपके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो होगा प्रिंट एफ का। बहुत सारे वर्ड्स हैं बेसिकली, जो कह रही हूँ कि एक जो यूज आप करेंगे स्कैन एफ होगा, प्रिंट एफ होगा, तो ऐसे कुछ अल्फाज हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये क्या होते हैं इंशाल्लाह हम जल्दी वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए कि ऐसे अल्फाज जो इंग्लिश जैसे हों उनको जो होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो अब हाई लेवल लैंग्वेज को मजीद अगर आपने डिटेल में समझना है तो आप उस लेक्चर को डिटेल में देख लें। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज कह लें, आप इसे एडवांटेज कह लें या प्रॉपर्टी कह लें किसी हाई लेवल लैंग्वेज की, आज हम इस लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं इजी टू लर्न। इजी टू लर्न क्यों है? क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ह्यूमन के करीब है और मशीन लैंग्वेज से दूर है। ह्यूमन के करीब इसलिए है क्योंकि इसमें इंग्लिश जैसे जो अल्फाज हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं जिसको पढ़ने में हमें आसानी हो जाती है, तो इसीलिए ये इजी टू लर्न है। जीरो और वन की फॉर्म में नहीं है इसीलिए। उसके बाद दूसरा है इजी एरर डिडक्शन। ये इजी एरर डिडक्शन क्यों है? क्योंकि इसको पढ़ने में भी आसानी है और इसे मॉडिफाई यानी कि चेंजिंग करने में भी, इसके प्रोग्राम को चेंज करने में भी आसानी होती है। और ये भी याद रखिएगा मॉडिफाई का मतलब होगा चेंजिंग, तब्दील करना, मॉडिफिकेशन कह लो या मॉडिफाई कह लो, ये इसका मीनिंग एक ही होगा। तो ये वर्ड रिमेंबर रखिएगा क्योंकि ये बार बार आपकी बुक में इस्तेमाल होने वाला है। अगर आप इस लैंग्वेज को पढ़ सकते हो, तब्दील कर सकते हो, तो आप इसी लैंग्वेज में किसी भी एरर को भी आसानी से फाइंड कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारे पास स्टैंडर्डलाइज्ड सिंटैक्स। स्टैंडर्डलाइज्ड सिंटैक्स का मतलब होता है कि आपका जो सिंटैक्स होता है हाई लेवल लैंग्वेज का, उसको पहले से ही स्टैंडर्डलाइज्ड यानी कि वेल डिफाइंड एक वे दे दिया जाता है कि किस तरीके से, किस रूल्स के मुताबिक आपने अपने प्रोग्राम को लिखना है। इसके बाद आता है डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिकवर्ड। इसके लिए आपको कंप्यूटर हार्डवेयर को, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को, कंप्यूटर मशीन को जानने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि एक प्रोग्रामर है जो कि अपने प्रोग्राम को डिवेल्प कर रहा है, जब वो प्रोग्राम को डिवेल्प कर रहा है तो उसको सिर्फ इसी चीज के बारे में सोचना है कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम का लॉजिक क्या है, वो इसको बना रहा है तो इसकी आउटपुट किस तरह से शो होगी, वो सिर्फ इसके बारे में सोचता है। उसको इस चीज से उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता कि जो मशीन है वो क्या काम कर रही है, यानी कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या रहा है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 में, वो पूरा एक बेसिक चैप्टर है जिसको आप लोगों ने पढ़ लिया है, उसमें हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि आर्किटेक्चर मतलब कंप्यूटर का ढांचा क्या है, उसमें रैम क्या काम करती है, रजिस्टर क्या काम कर रहे होते हैं, रजिस्टर के फर्दर टाइप्स क्या हैं, उसकी मेमोरी क्या है,
उसके अलावा सीपीयू जो है वो किस तरह से साइकिल को चलाता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। फर्दर हमने डिटेल में इन चीजों को 5th चैप्टर में पढ़ लिया है 1st ईयर के। यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रोग्रामर है उसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर से उसका या कंप्यूटर हार्डवेयर से उसका कोई लेना देना नहीं, उसे उसकी नॉलेज ना भी हो तो वो कोड लिख लेगा। इसके आगे भी यही है कि प्रोग्रामर जो होता है वो बेहतरीन अंदाज में प्रोग्राम को लिखता है बगैर इस चीज के फिक्र किए कि उसका हार्डवेयर ने कैसे काम किया करना है। तो दोबारा क्या है कि जो प्रोग्रामर होता है वो सोचता ये है कि उसका जो प्रोग्राम है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिसको उसने सोल्व करना है और प्रोग्राम को किस तरह से डिवेलप करना है। वही बात कि उसे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि इंसान या ह्यूमन जो है वो मशीन के साथ कैसे इंटरेक्ट करे, इस चीज से उसको लेना देना नहीं है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंसी में क्या होता है, वो कहते हैं कि आपका कोई भी प्रोग्राम जो है वो आपने जिसी भी मशीन पर किया है वो इंडिपेंडेंट हो। मतलब जैसे आप लोगों ने किसी कंप्यूटर में, जैसे नॉर्मल जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप यूं कह लें कि किसी ने HP वाले कंप्यूटर में अगर अपना कोड किया है तो वो कोड डेल के हिस्से में भी चल जाएगा, वो एप्पल वाले कंप्यूटर में भी कोड चलेगा, वो फर्दर जितने हमारे कंपनीज जो हैं या जिन जिनने लैपटॉप या कंप्यूटर्स को डेवलप किया है उन सब की मशीन्स में ये जो कोड्स होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के वो सब में रन होते हैं थोड़ी सी चेंजिंग करने के बाद। तो इसीलिए इसे मशीन इंडिपेंडेंट कहा जाता है कि ये जो प्रोग्राम आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखोगे वो किसी भी मशीन पर किसी भी कंप्यूटर पर चल जाएगा, रन हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद आता है मोर प्रोग्रामर्स। हाई लेवल लैंग्वेज है, अगर वो पढ़ने में आसान है उसको डिवेलप करना आसान हो जाता है तो हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू लर्न है, ये हमारा पहला करेक्टरिस्टिक है। करेक्टरिस्टिक्स है तो इसके मुताबिक इसको अगर पढ़ना आसान है, इसमें से एरर को तलाश करना आसान है, इसमें चेंजिंग करना आसान है, तो इस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं और इसी वजह से बहुत सारे प्रोग्रामर्स जो होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के वो अवेलेबल होते हैं हर जगह। इसके बाद आता है शॉर्टर प्रोग्रामर्स। शॉर्टर प्रोग्राम्स का क्या मतलब होता है, शॉर्ट प्रोग्राम से मुराद है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है तो आप उसे शॉर्ट करके लिख लेते हो, यानी कि ये शॉर्टर होता है, कम होता है, छोटा होता है लो लेवल लैंग्वेज की बजाय। जो हाई लेवल लैंग्वेज की एक इंस्ट्रक्शन होती है वो आपकी जो लो लेवल लैंग्वेज है उसकी कई इंस्ट्रक्शन पर मुश्तमिल होती है। मतलब अगर लो लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन काफी सारी हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज की वही छोटी सी एक इंस्ट्रक्शन काम कर रही होगी जिसमें फर्दर बाकी इंस्ट्रक्शन के जो प्रोसेस हैं वो हो रहे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, जिसमें हम देखेंगे कि हिस्ट्री सी लैंग्वेज क्या थी, इसको डिवेल्प कब किया गया, कहाँ किया गया, किस बंदे ने किया, क्यों किया, वो तमाम चीजें सी लैंग्वेज में देखेंगे। साथ में हम इसके एडवांटेज पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज को पढ़ने के एडवांटेज, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इस लेक्चर को क्लोज करने से पहले मैं आपको बताती जाऊं कि इसमें से ये जो हमने आज टॉपिक पढ़े हैं इसमें से सब जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सब के सब शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, जैसे इजी टू लर्निंग, फाइंडिंग द एरर हो गया, सिंटैक्स वाला टॉपिक हो गया, मशीन इंडिपेंडेंट होगी, नो एनी नीड ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ऐसे जितने टॉपिक अभी हमने पीछे पढ़े हैं वो तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, MCQs भी निकल आते हैं। तो आप इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में कोई इसकी प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और फर्दर कुछ पूछना है आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट भी हमें कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।